अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमजान की और चांद की आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत 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 मुबारक हो। सो गाइस, सीन कुछ यूँ है कि आज है जी फर्स्ट अफ्तारी, फर्स्ट रमजान। तो सहरी व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मैं उठी 5 बजे थी और 15 मिनट में मैंने जैसे तैसे करके जो अपनी सहरी की है ना, तो वो मैं ही जानती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ जो है ना इफ्तारी व्लॉग शेयर किया जाए। हे फैम, व्हाट्सएप कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। दिस इज मी कराची की लड़की, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, अभी मैं लिटरली उठी हूँ 10 बजे और 15-20 मिनट में मैं रेडी हो गई। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैं रेडी होकर व्लॉग क्यों बना रही हूँ, तो क्योंकि गाइस हम लोगों का ऑफ नहीं होता क्योंकि हम लोग जॉब वाले हैं। तो भाई हम लोग जा रहे हैं जॉब पर, मतलब मैं जा रही हूँ जॉब पर। तो वहाँ जो सीन्स होते हैं मैं देखती हूँ, अगर रिकॉर्ड कर पाई तो ठीक है, नहीं तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने व्लॉग को घर पर आने के बाद। सो गाइस, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मस्ती होने वाली है, क्या क्या हम खाने वाले हैं अफ्तारी और सहरी में, तो वो सब मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट अफ्तारी में हम क्या क्या खाने वाले हैं, क्या बनाने वाली है मेरी मम्मा। सो गाइस, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। आगे क्या क्या होने वाला है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं जाती हूँ ऑफिस, वहाँ से आने के बाद जो सीन्स होते हैं मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके सब कुछ दिखाने वाली हूँ। सो गाइस, चलिए चलते हैं आगे। खुदा भी होगा जिधर वो आली मकाम होगा दर नबी। सो गाइस, फाइनली मैं फैक्ट्री पहुंच चुकी हूँ। कोई देखना ले भाई, इतनी गर्मी थी बाहर, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लिटरली 15-20 मिनट तो सिर्फ सीढ़ियाँ पार करते करते ही निकल जाते हैं। सीढ़ियाँ ही पार करते रहे हैं, इतनी स्टेयर्स हैं, इतनी सीढ़ियाँ, इतनी सीढ़ियाँ। तो फाइनली मैं अपने डिपार्टमेंट पहुँच चुकी हूँ, अब आगे घर जाके बनाएंगे। सो गाइस, फाइनली 6:30 पर मैं अपने घर पर हूँ। ठीक है, और अभी देखते हैं कि अफ्तारी की क्या क्या तैयारी हो चुकी है। अभी जाते हैं मम्मा के पास किचन में और देखते हैं कि भाई फर्स्ट अफ्तारी की क्या क्या तैयारियाँ हैं हमारे घर में। अभी हम लोग रास्ते से फ्रूट वगैरह लेते आए हैं और अभी मामा ने पकोड़े शकोड़े बनाने हैं, तो उसके लिए पापा भाई सामान लेने गए। तो अभी देखते हैं कि किचन में क्या क्या रेडी हो रहा है। चलिए किचन में चलते हैं। सो गाइस, फाइनली हम किचन में आ चुके हैं और किचन के तासुरात कुछ यूँ क्योंकि जल्दी जल्दी करना है काम और अभी तक कुछ नहीं बना हुआ, सब लेट हो गए। ठीक है, तो पापा जो है ना ये बना रहे हैं पकौड़े, फर्स्ट टाइम किचन में गए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग क्या बना रहे हैं पापा, पकौड़े। कौन से पकौड़े? ये है आलू की चिप्स वाले पकोड़े। चेक कर सकते हैं आप लोग, हमारी ये अनोखी रेसिपी होती है हमारी ये वाली, जो है ना इसमें क्या क्या मिलता है, आलू, गोभी, पिसी मिर्चें, कुटी मिर्चें, खीरा, सारी चीज होती है। ये काम करने वाले हमारे, मतलब मेरी और मम्मा के, लेकिन हमारे अब्बा करते हैं। वाह यार, वाह, ग्रेट, तुसे ग्रेट हो यार। आप लोग इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, ये पकौड़ा मैकिंग है, मतलब पकौड़े बनेंगे इससे हमारे आलू के चिप्स वाले। और अब ये बन जाएंगे तो मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। हमारे जो है ना रेसिपी, ये वाली जो है ना सीक्रेट रेसिपी है। तो यहाँ हम करते हुए बिस्मिल्लाह। ठीक है, जलेबी, यहाँ पापा पकोड़े बनाते हैं और हमें मशवरा देते हुए कि भाई ऐसे बनाया करो। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं पापा से, फिर कभी हमारा दिल चाहा तो हम खुद भी बनाएंगे। ये लो, अभी हम टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमारा रोज़ा है। रोज़े के बाद, मतलब जब अफ्तारी होगी तो हम उसमें टेस्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि भाई ये वाली हमारी सीक्रेट रेसिपी कैसी है, किस तरह की मज़ेदार है। वैसे तो डिलीशियस होती है, हम लोग वैसे भी नॉर्मल रूटीन में खाते रहते हैं पकौड़े शकौड़े। तो अभी जो है ना पापा बना रहे हैं, तो देखते हैं क्या टेस्ट आता है। ठीक है जी, तो अभी आगे देखते हैं क्या क्या तैयारी हो रही है। अभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम हो। तो गाइस, फाइनली हमारे पकोड़े निकल रहे हैं। ठीक है, ऑयल में से ब्राउन ब्राउन, क्रिस्पी क्रिस्पी।
देखें, यहाँ चेक करें, उठा पकौड़े, ये आलू वाले पकौड़े देख सकते हैं आप लोग। ये वाले हमारे घर में इतने वक्त तक हम लोग सब क्या हैं, आलू के शौकीन। आलू हर चीज में चाहिए हमारे बच्चों को। आलू का पकौड़ा हर चीज में आलू। तो अब ये दूसरी क्या बोलते हैं, दूसरा राउंड चल रहा है। हाँ, तो ये बना रहे हैं अब्बा। हमारे घर में कुछ पके ना पके लेकिन पकौड़े बनने चाहिए, आलू के और सब्जी के दोनों। जो बाबा बना रहे हैं वो सब्जी के पकोड़े हैं और जो मामा बना चुकी है मेरे आने से पहले तो वो थे आलू के पकोड़े। और आलू के पकोड़े तो इस परमानेंट, आलू ना हो तो हमारा दिन कंप्लीट नहीं होता, यू नो डैट। तो ये हो गया फिनिश। और हाँ, बस ये आखिरी जो है ना राउंड हुआ है, देन अब जो मम्मा बनाएंगी वो पूछते मम्मा आप क्या बनाओगी। भी नहीं बनाएंगे, बस मम्मा हो गया, बस पापड़ी नहीं तलोगी। हाँ, तो अब रह गया है पापड़ी तलना, तो इसके बाद जो है ना पापड़ी तलेंगे। और फिर मैं आपको फुल दस्तखान की वीडियो दिखाऊंगी कि भाई पूरे दस्तखान में हमारे क्या क्या है। सो गाइज, हमारे यहाँ जो है ना दस्तखान बिछ चुका है, खाली दस्तखान, और दस्तखान को पूरा सजाने वाली है मुस्फरा सिद्दीकी, मतलब मेरी छोटी बहन। यहाँ इसने सिर्फ जूस ला के रखा है, बाकी ये पूरा दस्तखान बिछाया इसने। और ये चेक कर सकते हो आप लोग अभी क्या क्या रखने वाले, मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, ठीक है। और ये लाला के रखनी है, आलू के पकौड़े लाए, पंगा फैन बंद करो जल्दी ठंडा हो जाएगा घर। अच्छा, अगर फ़ैन खुला हुआ हो और ये सब सामान रखा हो तो जो गर्म सामान होता है ना वो भी ठंडा हो जाता है, इसलिए हम गर्मी थोड़ी बर्दाश्त करते हैं और ये सब सामान सेट करते हैं। ये लोग जल्दी जल्दी सब सेट करेंगी। लो, तो मैं पानी की बोतल रख के बड़ा एहसान किया है। चलो, मैंने तो सिर्फ केचप रखा है। अच्छा जी, ये आ गई हमारी फ्रूट चाट, इसमें अंदर केले और खरबूजा है, ठीक है। ये वाली, ये केले और खरबूजे की फ्रूट चाट है जिसके अंदर हमने नमक और मसाला डाला है। पसंद है ना ये? मैंने तो सिर्फ केचप रखा था और उसमें मेरा हाथ डूब गया। सो गाइस, मैं इन दोनों से एक एक सवाल करने वाली हूँ, रमज़ान के मौके पर एक एक सवाल होने वाला है, तो देखते हैं क्या सवाल है, ठीक है। तुमने रोज़ा रखा है? नहीं। जी हाँ, अफ्तारी पे हमारी बैठ गई आकर, रोज़ा रखा है? उठाया ही नहीं सहरी में। हमने उठाया था, आप खुद नहीं उठी। अच्छा, जवाड़े मारे थे ये बताओ, रोजा रखा है कि नहीं रखा? अफ्तारी करने का भी हक नहीं है तुम्हें? हाँ नहीं, मैं तो बगैर अफ्तारी दोनों नहीं करोगी, दोनों अफ्तारी नहीं करोगी जब तक जो रोजा नहीं रखेगा वो अफ्तारी में नहीं करेगा। सबसे अहम चीज ये मोस्ट फेवरेट जिसे हम लोग रोजा खोलने वाले, क्या है भैया? खजूर से हम रोजा खोलने वाले हैं। अच्छा, अभी ये दुकान हमारा लग रहा है, ठीक है। खजूर को क्या कहते हैं बताओ? इंग्लिश में बताओ क्या कहते हैं? डेट्स। खजूर को इंग्लिश में कहते हैं डेट्स। ओके, बिल गेट्स नहीं, डेट्स। डेट्स मतलब खजूर। ये लाइट्स ऑन करो। सही है, हाँ हमारे घर में इतनी लाइट है, हमें पता चल गया। दो है, देखा, मुझे लग रहा था कुछ कमी है हमारे घर में। ये मैक्रोनी भी है हमारे घर में। नहीं, तुम लोग सब पहले डिसाइड कर लो क्या रखना है। यहाँ मैक्रोनी आ गई, केचप आ गया, खजूर आ गया, फ्रूट चाट और पकौड़े, ठीक है, आलू के पकौड़े। वो मंतजा, आपका रोज़ा है? पैसे दो उसके, बताओ आपका रोज़ा है? रोज़ा है? ओ भाई, तीन लेस खाइए। गाइस इसका रोज़ा नहीं है, इसे पकड़ो गाइस, इसका रोज़ा नहीं है। सो अभी हम दस्तखान सेट करते हैं, ठीक है, फिर दुआ मांगेंगे और फिर रोज़ा खोलेंगे। आज अफ्तारी का टाइम क्या है? 6:46। हाँ, 7:45 पे रोज़ा खुलेगा, ठीक है। फैन ऑन है, फैन ऑफ है। 6:46 पे रोज़ा खुलेगा और दस्तखान सेट करने के बाद जो है ना हम लोग दुआ मांगेंगे। सो गाइस, फर्स्ट अफ्तारी की तैयारियाँ जो है ना यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अब आगे मिलते हैं दस्तखान पर। तो गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर पार्ट टू, देन हम आपको आगे मिलते हैं इंशाल्लाह। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई हम डेली रूटीन में क्या मेन्यू रखें, अलग अलग सब अपनी अपनी रेसिपीज़ बता दीजिएगा। रेसिपीज़ नहीं बल्कि आप लोग बता दें कि खाने में हम क्या पकाएं सहरी और अफ्तारी में। तो गाइस, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे याद रखें।
बाय।